आज आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर अमित है, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। आज मेरे साथ मेरे पेशेंट हैं जिनकी चेस्ट की सर्जरी 3 हफ्ते पहले हुई थी, एंड ऑफ कोर्स हम लोग फेस नहीं दिखा रहे हैं बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जो हमारे पेशेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं फेस दिखाने में, हम कभी भी उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं। सो इस वीडियो में लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड कि जिनकी सर्जरी हुई है उनके मन में सर्जरी से पहले क्या था, आज क्या है, और उनके लिए क्या नई पॉसिबिलिटीज खुली है, विच मीन्स कि उन्होंने सर्जरी क्यों कराई। नाउ गायनेकोमास्टिया, मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे भी है और इस वर्ल्ड में हर मेल को है, 100% लोगों को है। कुछ लोग इफेक्ट होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। जो इफेक्ट होते हैं, कुछ लोगों को एवेन्यू है इन्फॉर्मेशन की, कुछ लोगों को नहीं है। जिनको इन्फॉर्मेशन है उनमें से कुछ लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, कुछ लोग नहीं। तो जो ट्रीटमेंट लेते हैं उनके मुंह से जब आप सुनेंगे कि उनको क्या बेनिफिट हुआ, तो आपका काफी हद तक डर निकल जाता है। सो बिफोर सर्जरी, और लेट्स से आपने सर्जरी क्यों कराई? मैंने सर्जरी इसलिए कराई कि टाइट गारमेंट्स डालने में दिक्कत होती है, जैसे टी शर्ट वगैरह हो गई जिम में जाते टाइम, तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता था कि मतलब जिम में जा रहे हैं तो मतलब चेस्ट की शेप अगर आपकी प्रॉपर नहीं है तो ओवरऑल बॉडी अगर आपकी कितनी अच्छी है लेकिन चेस्ट अगर आपकी सही नहीं है तो। सो प्राइम रीजन ये था कि फिटिंग क्लोथ्स टाइट फिट कर जाते हैं, जो क्लोथ्स हैं जैसे टी शर्ट वगैरह। सो जैसे आप स्विमिंग भी करते हो? स्विमिंग करता था पहले, इससे पहले, लेकिन जब तो स्विमिंग में भी आपको एम्बैरेसमेंट फील होती थी टी शर्ट निकालने में। तो आप देख पा रहे हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में गायनेकोमास्टिया का एक रोल आ जाता है। एक अच्छा हेल्दी स्मार्ट बंदा पीछे हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्योंकि वो अपने आप को बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। तो जब आप मेरे पास आए थे तो ऑब्वियसली आपने कुछ पढ़ा होगा या कुछ देखा होगा, उससे इंस्पायर होकर आप मेरे पास आए और मेरी टीम से भी मिले। तो किसी स्टेज पर आपको कम्फर्ट मिला, आपको ये कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ अब मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? मैं पहले मिस्टर अमित गुप्ता जी से मिलने से पहले भी एक और क्लिनिक में विजिट किया था मैंने, लेकिन इन सर से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मतलब मुझे बेटर मतलब रिजल्ट मिल पाएंगे, एंड सर का नेचर भी बहुत अच्छा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सर से ही मतलब मिले आके आपका सारा। मैं ऐसे में हमेशा कहता हूँ कि अगर आप कहीं पे ऐसी जगह जहाँ मेरे पास नहीं आ सकते तो प्लीज मत आइएगा, लेकिन अगर ये ट्रीटमेंट चाहते हैं तो किसी प्लास्टिक सर्जन को ढूंढिए अपनी सिटी में, उनसे कराइए। प्लीज गलती से भी किसी जनरल सर्जन के पास मत जाइए या किसी और स्पेशलिटी के पास, स्किन स्पेशलिस्ट या एमडी जो होते हैं, क्योंकि वो आपकी परमानेंटली चेस्ट खराब कर देंगे। सो एक वार्निंग है ये आपके लिए, ट्रीटमेंट चाहते हैं तो प्लीज सवाल पूछिए, हेजिटेट मत कीजिए जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं कि क्या आप प्लास्टिक सर्जन हैं या नहीं। अगर कोई आपको बोलता है कि वो कॉस्मेटिक सर्जन है, प्लीज मत मानिए और इंसिस्ट कीजिए डिग्रीज देखने पे। जो जेन्युइन डॉक्टर होगा वो कभी बुरा नहीं मानेगा अगर आप उनसे डिग्रीज मांगेंगे, क्योंकि दिस इज योर राइट बिकॉज ये आपकी लाइफ है। नाउ आपने ट्रीटमेंट कर लिया, ट्रीटमेंट के बीच में आपने ऑब्वियसली ट्रीटमेंट से पहले आपको एक एंटिसिपेशन होगी कि ये दर्द होगा या वो प्रॉब्लम हुई, क्या वो जो आपकी रिकवरी थी उतनी एंटिसिपेशन के बराबर थी या कम थी? मुझे जब मैं आया था यहाँ पे तो मुझे डर था कि मैंने लाइफ में कभी कोई सर्जरी नहीं कराई थी, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे थोड़ा डर था सर्जरी से पहले, लेकिन जब सब कुछ हो गया उसके बाद में मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई, एंड अब तक 21 डेज हो चुके हैं, मुझे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपको अब ये कॉन्फिडेंस है कि अब आप जिम में टाइट टी शर्ट पहन के जा सकते हो? हाँ जी बिल्कुल। स्विमिंग करोगे तो कोई हेजिटेशन तो नहीं होगी अब? नहीं। सो जो ऑब्जेक्टिव था या जिस वजह से आप बहुत साल तक एक कॉन्फिडेंस लैक कर रहे थे, आज वो पूरा, आज वो कंप्लीट हो गया है। सो आप अगर कोई पेशेंट आपसे ये पूछे कि मुझे गायनेकोमास्टिया है, क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए नहीं, आपका क्या जवाब होगा? ये डिपेंड करता है कि अगर बंदे को उस चीज से प्रॉब्लम है तो वो कराए, अगर उसको कंफर्टेबल है वो अपने लाइफस्टाइल से। जैसे मुझे दिक्कत थी क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल है कि मैं बंदे करता हूं, तो मुझे प्रॉब्लम थी। अगर उनको दिक्कत है तो आपका मैसेज ये है कि उनको ट्रीटमेंट कराना चाहिए, किसी चीज से डरना चाहिए नहीं। ऑल्सो मैंने इनको ये नहीं बताया था कि मैं इनसे क्या सवाल पूछूंगा, इनको कोच नहीं किया था मैंने, ये एक नेचुरल रिस्पॉन्सेज हैं। जैसे आप मुझे देखते हैं, मेरी आदत है मैं कभी भी कुछ चीज़ प्रिपेयर नहीं करता हूँ, ऑन द स्पॉट होता है ताकि स्पॉन्टेनिटी मेंटेन हो, एक नेचुरल एनवायरनमेंट मेंटेन हो। सो मैसेज ये ध्यान रखिए, अगर आपको गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम है सेफली ट्रीटमेंट कराइए, प्लास्टिक सर्जन से ट्रीटमेंट कराइए और हेजिटेशन मत कीजिए। अगर मुझसे टच में रहना चाहते हैं तो आपके पास ऑफिस नंबर्स हैं हमारे, नीचे स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करके इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारे न्यू चैनल इस चैनल पे वीडियोस मिलेंगे जो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं।